ईद पर्व को लेकर शहर में निकाली गई फ्लैग मार्च, एएसपी सहित सड़क पर उतरे पुलिस के जवान। ईद उल फितर को लेकर रोहतास एसपी विनीत कुमार के निर्देश पर जिले के डेयरी में फ्लैग मार्च निकाली गई। बता दें कि डेयरी के एएसपी शुभांक मिश्रा व नगर थाना अध्यक्ष राजीव रंजन के नेतृत्व में काफी संख्या में पुलिस के जवानों ने शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च किया। दरअसल डेयरी नगर थाना कैंपस से फ्लैग मार्च निकालकर मुख्य बाजार होते हुए बारा पत्थर, अम्बेडकर चौक, चूना भट्टा मोड़, स्टेशन रोड से गुजरते हुए मोहन बीघा होकर वापस थाना चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान भारी संख्या में बिहार पुलिस के जवान के साथ साथ एसएसबी के जवानों को भी लगाया गया था। एएसपी ने बताया कि ईद पर्व को लेकर डेयरी के संवेदनशील इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। वहीं सभी मस्जिद के आसपास भी पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। साथ ही चौक चौराहों से लेकर गलियों में बाइक से पुलिस गश्त करेगी। साथ में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सादे लिबास में महिला पुलिसकर्मी व पुरुष जवानों को लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ईद पर्व के मद्देनजर रोहतास पुलिस चौकस है। असामाजिक तत्व पर जहां पुलिस की कड़ी नजर रहेगी, वहीं सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी निगरानी रखेगी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बीएनपी न्यूज के लिए रोहतास से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। पूरे जिले पूरे अनुमंडल में शांति समिति की बैठक की गई है, सभी समुदाय के लोगों से बातचीत की गई है। ज्वाइंट ऑर्डर निकल गया है, हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की है दंडाधिकारी की और पर्याप्त बल की। सब जगह पर मान्य आसूचना संकलन किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। हम लोग पूरी पब्लिक के साथ मिलकर इस त्यौहार को बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे। सर, कितनी फोर्स की तैनाती लगभग हो रही है आसपास में? जो भी थाने स्तर का पूरा फोर्स है, इसके अलावा जो हमारा दंगा पार्टी रहता है, क्यूआरटी रहता है, इसके अलावा लाइन से काफ़ी फोर्स है हमारा बचता है। तो फोर्स हमारे पर्याप्त है, हमें लगता नहीं इसमें आवश्यकता पड़ेगी। जनता के सहयोग से हम लोग इसको